डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, नमस्ते। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भाषा कल्पना विषय, इसमें महारस का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। इससे महारस के अध्ययन अध्यापन में पिछले भाग में शिलाजितु का वर्णन अधूरा रह गया था। शिलाजितु महारस में ही, शिलाजितु का नाम महारस में आता है, उस शिलाजितु के बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। शिलाजीत, जैसे कि नाम से ही है, शिला जी जतु, शिला यानी पत्थर, जतु यानी लाक्षा, मतलब शिलाजितु के लाक्षा जैसा पदार्थ जो होता है, रस निकलता है, उसको शिलाजितु कहते हैं, जो आपको मैंने पहले पूर्व में बताया गया है। ये शिलाजितु मार्केट में दो प्रकार से मिलता है, एक तो पत्थर के रूप में मिलता है और इसके अलावा तरल रूप में भी शिलाजितु मिलता है, तो कुछ ठोस और कुछ तरल, दोनों तरह से मिलता है। तो जो मार्केट में मिलता है वो अशुद्ध बहुत होता है, इसलिए उसको शुद्ध रूप से ही ग्रहण करना चाहिए, उसको शुद्ध करके ही ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है। क्योंकि पत्थर से रस जो आता है उसको अपन ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अपद्रव ज़्यादा होते हैं, इसलिए शुद्ध शिलाजित करने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो शिलाजित शुद्ध करने की विधि इसमें बताई गई है कि बाज़ार में उपलब्ध जो शिलाजित है उसको लेकर के क्षार जल, क्षारयुक्त जल हो और गोमूत्र से प्रक्षालित करने पर शिलाजित शुद्ध होती है। मतलब क्षार जल में, या तो क्षार जल में प्रक्षालित कर लें या गोमूत्र से प्रक्षालित यानी साफ कर लें, धो लें, तो उससे शिलाजित शुद्ध होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पुनः कई दिनों तक उसे धूप में सुखाकर रखना चाहिए, क्योंकि क्षार जल से साफ करेंगे तो वो उसमें पानी कांश मिलेगा और अगर गोमूत्र से करेंगे तो भी मिलेगा, इसलिए उसको पुनः साफ करने के बाद में उसको सूर्य के धूप में सुखा करके उसको प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी विधि जो लिखी गई है उसमें है, शिलाजितु को एक लोहे की कढ़ाई में रखकर गोदुग्ध, त्रिफलाक्वाथ और भंगराज सुरेश की एक एक भावना देकर सुखा लें। मतलब एक लोहे की कढ़ाई में शिलाजितु को लेकर के गोदुग्ध, त्रिफलाक्वाथ और भंगराज सुरेश की एक एक भावना, मतलब भावना का मतलब ये उसको शिलाजितु पूरी उसमें डूब जाए, तो एक भावना उसको सुखा लें, फिर दूसरी भावना, फिर उसको सुखा लें, फिर तीसरी भावना, इस प्रकार एक एक भावना तीनों द्रव्यों को देकर के देने से शिलाजित सिद्ध हो जाता है, लेकिन अत्यंत सावधानी से शोधन करें। तीसरी विधि है, शिलाजित जो है, शिलाजितु और गुग्गुल समान भाग लेकर एक पोटली में बांधकर क्षार और अम्लीय द्रव्यों से पूरित स्वेदन यंत्र में एक घंटा तक स्वेदन करें तो शिलाजित सिद्ध हो जाता है। मतलब स्वेदन यंत्र में, दौला यंत्र द्वारा इसको स्वेदन करें तो भी ये शुद्ध हो जाता है। किसमें बांधें इसको, पोटली बांध करके शिलाजितु के समान गुग्गुल भी समय संभाग रख लें और अम्लीय द्रव्यों में पूरित करके एक घंटे तक स्वेदन करें तो शुद्ध हो जाता है। इस शिलाजितु में गुग्गुल मिश्रित जल को धूप और अग्नि में कई दिनों तक सुखा कर प्राप्त कर लें, मतलब गुग्गुल जो फिर जल होता है उसमें सुखा करके प्राप्त करें। अब है क्रियात्मक, क्रिया मतलब क्रियात्मक में यह है कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से इसको किया जाता है। शिलाजितु पाषाण से शिलाजितु प्राप्त होती है, इस विधि से शिलाजित प्राप्ति में उसका शोधन दोनों साथ साथ किया जाता है। विधि कौन सी है, शिलाजितु पत्थर 1 किलो, त्रिफला निर्बीज 1 किलो, मतलब त्रिफला ऐसी जिसमें बीज रहित हो वो 1 किलो बराबर मात्रा में हो। सर्वप्रथम त्रिफला को यवकुट कर 16 किलो जल में क्वाथ करें, जब 8 किलो जल शेष रह जाए तो उसे उतार कर छान लें, इसके बाद लोहे की कढ़ाई में रखें। शिलाजितु पत्थर को यवकुट कर, शिलाजितु पत्थर को भी यवकुट यानी जौ के बराबर टुकड़े कर लें, यवकुट का मतलब जौ के बराबर टुकड़े कर लें, और गर्म त्रिफला क्वाथ में डालकर लोहो दर्वी यानी लोहे की कढ़ाई, दर्वी का मतलब कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई से उसको चलाते रहें जब तक संपूर्ण पत्थर जल क्वाथ में नहीं मिल जाए, तब तक उसको चलाते रहें। बाद में इस कढ़ाई को कहीं स्थिर करके रख दें और 3-4 दिन तक यूँ ही निथरने को छोड़ दें, मतलब पानी 3-4 दिन इस कढ़ाई को छोड़ दें और पानी निथरने यानी पानी को स्वच्छंद मतलब होने दें और जो गंदगी है उसको नीचे बैठने दें, उसको निथरने का मतलब साफ करने में छोड़ दें। 4th दिन कढ़ाई तिरछा करके ऊपर से निथरे हुए जल को एक अलग लोह पात्र में वस्त्रपूत कर लें, वस्त्रपूत का मतलब छान लें, वस्त्र से पूत लें, छान लें, वस्त्र से छान कर रख लें उसको।
उसको ग्रहण कर ले। जब कढ़ाई में पंख जैसा पदार्थ आने लगे, पंख यानी कीचड़, कीचड़ जैसा पदार्थ आने लगे तो उसको छोड़ दें। इससे शिलाजीतु को अवशिष्ट पंख जैसे पानी में 4 किलो जल डालकर लोहो दरवी से अच्छी तरह चलावें, और चलाने के बाद 3-4 दिन फिर छोड़ देनी ठहरने के लिए। 3-4 दिन बाद में उसका जो पानी है ऊपर से पानी को वस्त्रपूत करके अलग ग्रहण कर लें और अवशिष्ट किसी जैसे पदार्थ को उसी में छोड़ दें, ठीक है। इस प्रकार से मिट्टी समझकर छोड़ दें। वस्त्रपूत शिलाजीतु मिश्रित स्वच्छ द्रव को शिलाजीतु प्राप्त करें। इस प्रकार से शिलाजीतु प्राप्त करने की 2 विधियाँ हैं। मतलब जो अपने शिलाजीतु को वस्त्रपूत यानी वस्त्र से छान छान करके अलग पात्र में रखा गया है, उस वो शुद्ध शिलाजीतु है। बाकी जो उसमें कढ़ाई में रह गई है वो उसमें अपद्रव्य मिट्टी वाली है, इसलिए उस शिलाजीतु को अपन किस प्रकार से प्राप्त करें इसकी भी 2 विधि है। मतलब जो अलग से अपने निकाल रखी शिलाजीतु इसको भी प्राप्त करने की 2 विधि है। एक तो सूर्यतापी और अग्नितापी। सूर्यतापी में सूर्य की ताप, सूर्य की धूप में उसको छोड़ दिया जाता है, और सूर्य की धूप में उस पानी को, पानी परात जो भी जिसमें पानी रखा है सूर्य की धूप में रखते हैं तो उसमें एक परत सी आती है। दूध में जैसे जिस तरह से मलाई जमती है उसी प्रकार से पानी में परत जैसी आती है, उस परत को अलग से ग्रहण करते हैं, फिर धूप में रखते हैं, फिर परत आती है, फिर अलग ग्रहण करते हैं, तो वो शिलाजीतु सूर्यतापी जैसी होती है। और एक होती है अग्नितापी। अग्नितापी में उस पानी को अग्नि में जलाया जाता है और फिर ग्रहण करते हैं, तो दोनों में सूर्यतापी श्रेष्ठ कहलाती है। अब मैं उसका वर्णन आपको करने जा रहा हूँ। सूर्यतापी और अग्नितापी में सूर्यतापी उस शिलाजीतु मिश्रित त्रिफला क्वाथ युक्त स्वच्छ जल को चौड़े चौड़े कई लोहे की ट्रे में डालकर तीव्र धूप की रोशनी में रखें। मतलब धूप की तीव्र रोशनी हो वहाँ पर रख दें उसको, लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाई में डाल के, लोहे की कढ़ाई में डालना है, लोहे की कढ़ाई लोहे के बर्तन में डालना है, ट्रे में डालना है, ठीक है। 3-4 दिन तक रखने के बाद उक्त द्रव में दूध जैसी मलाई ऊपर जम जाएगी, जिसे हटाते जाएँ और इस प्रकार से दूध जैसी मलाई को इकट्ठा करते हैं और सुखा लें। जब शिलाजीतु तैयार हो जाए तो इस शिलाजीतु को सूर्यतापी शिलाजीतु कहते हैं। यही सर्वोत्तम शिलाजीतु है। मतलब दूध जैसे दूध की मलाई में जिस प्रकार से दूध की मलाई आती है उसी प्रकार से उस पानी को जो धूप पर रखेंगे तो उस पानी के ऊपर एक मलाई जैसी परत आ जाएगी। उस मलाई की परत को अलग अलग ग्रहण करते रहें और अलग ग्रहण करके उसको प्राप्त करते रहें। इसी प्रकार से इसको ग्रहण करें, यह सूर्यतापी शिलाजीतु होगी। अब अग्नितापी शिलाजीतु में क्या है। उक्त त्रिफला क्वाथ मिश्रित शिलाजीतु को लोहे की कढ़ाई में रखकर आग पर जलियांश सुखाकर अर्ध घन कर लें। मतलब अर्ध घन का मतलब कुछ से उसको घन कर लें यानी गाढ़ा कर लें, और पुनः ट्रे आदि में रखकर धूप में सुखाकर प्रयोग करें। इस विधि से प्राप्त शिलाजीतु पूर्व अपेक्षा अल्प गुण वाली होती है। मतलब सूर्यतापी श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि प्राप्त शिलाजीतु में अग्नि संपर्क से कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं। अग्नि संपर्क करोगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सूर्यतापी शिलाजीतु को उन्होंने श्रेष्ठ कहा है। इसके अलावा उड़नशील तैलीय पदार्थ भी उड़ जाते हैं, अतः सूर्यतापी शिलाजीतु श्रेष्ठ है। और गोमूत्र गंध एवं कृष्ण भी होती है। वो क्या सूर्यतापी शिलाजीतु होती है, गोमूत्र गंध भी होती है और कुछ उसमें क्या है, उसमें कृष्ण भी होती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना गया है। अग्नितापी विधि से 1 किलो शिलाजीतु के अच्छे पत्थर को 600 ग्राम शुद्ध शिलाजीतु प्राप्त होता है और विशुद्ध और गुणकारी है, यही प्रमाणिक है, साथ ही निर्विकार भी है। अतः इस विधि से शिलाजीतु का शोधन करना चाहिए। शास्त्रीय रीति में ऊपर से बताया गया शोधन व्यावहारिक है, किंतु शिलाजीतु अम्ल, अधिकांश शिलाजीतु जल से ही घुल मिल जाएगा, अतः वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शिलाजीतु को शुद्ध करना चाहिए। अब शिलाजीतु का मारण तो वैसे स्पष्ट रूप से मारण का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मारण का मतलब भस्म बनाना, शुद्ध शिलाजीतु को ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिलाजीतु का मारण सिर्फ आप छात्रों को बताने के लिए ही लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन इसका मारण की कोई आवश्यकता नहीं है। शिलाजीतु को शुद्ध रूप से ही प्रयोग किया जाता है, भस्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है। उस शास्त्रों में लिखा है कि शिलाजीतु में शुद्ध ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु प्राचीन रसाचार्यों ने शिलाजीतु का मारण का निर्देश भी किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन मारण का उसमें उद्देश्य किया है। तो आज प्राय शिलाजीतु का वैद्य समाज लगातार प्रयोग कर रहा है और सभी जो कर रहे हैं वो शिलाजीतु का, शुद्ध शिलाजीतु का ही प्रयोग कर रहे हैं बिना मारण के। अतः बिना मारण के इसका प्रयोग ठीक रहता है, अतः शिलाजीतु को जलता नहीं है। अतः इसके भस्म करने के हमने देखा तो निश्चित पाया, और इस प्रकार से कोई किसी प्रकार के गुण इसमें पाए नहीं, भस्म करने में कोई अत्यधिक गुण की प्राप्ति भी नहीं हुई, इसलिए अधिकतर लोग शुद्ध शिलाजीतु को ही प्राप्त करते हैं।
अब शिला जंतु की भस्म की विधि बच्चों की मतलब छात्रों की सुविधा के लिए बता दी गई है। उसमें लिखा है कि शुद्ध शिलाजित को बराबर शुद्ध मैंसिल और शुद्ध हड़ताल और शुद्ध गंधक मिलाकर नींबू सूरज की भावना देकर टिकिया बना लें और टिकिया बनाकर सुखा लें और सरावर संपुट कर कपोतपुट यानी कपोतपुट क्या सबसे छोटा पुट होता है कपोत एक कबूतर के बैठने लायक जगह जीती हो कपोतपुट में पाक करें तो शुद्ध शिलाजित की भस्म बन जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकतर इसका भस्म बनाने का कोई प्रयोग नहीं होता है। शुद्ध शिलाजितों को जिस प्रकार शुद्ध करते हैं सूर्यतापी उसी प्रकार की शिलाजितु प्रयोग में ली जाती है और वो कार्यकारी होती है, अत्यधिक गुणकारी होती है, भस्म बनाने का प्रयोग अधिकतर नहीं मिलता। अब आगे शिलाजितु का सत्वपातन का भी है तो जब भस्म बनाने का नहीं है सत्वपातन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। शिलाजितु का मारण और सत्वपातन नहीं करें, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब शुद्ध शिलाजितु के गुण क्या हैं, उन गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि शुद्ध शिलाजितु महर्षि अग्निवेश कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई अग्निवेश जो चरक के रचनाकार टीकाकार है महर्षि अग्निवेश वो कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं है साध्य रोग मतलब जो साध्य का मतलब ठीक होने वाला रोग नहीं है जिससे विधिवत प्रयोग से अनुपांश मात्रा पथ्य आदि के द्वारा शुद्ध शिलाजित नष्ट नहीं कर दे। मतलब शुद्ध शिलाजित को यदि उचित पद से उचित रोगारोग के तरीके से और उचित अनुपान से मात्रा में पथ्य में लिया जाए तो ऐसा कोई भूमि में कोई पृथ्वी में रोग नहीं है। अग्निवेश आचार्य कहते हैं कि शिलाजित उसको ठीक नहीं करे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने लिखा है साथ ही यदि स्वस्थ व्यक्ति शिलाजित का प्रयोग करे तो वह अत्यंत ओजस्वी और शक्तिशाली उससे हो जाता है, उसमें रसायन गुण मिलते हैं। महर्षि सुश्रुत भी प्राय ऐसा ही कहते हैं, इसलिए ये शिलाजित जो है रसवर्ग में उपरस वर्ग में पारद में रत्न वर्ग में लोह वर्ग में जितने भी गुण हैं ये सब गुण शुद्ध शिलाजित में पाए जाते हैं। मतलब जितने रस में महारस में उपरस में साधा रस में रत्न में उपरत्नों में जितने गुण पाए जाते हैं वो संपूर्ण गुण इस शिलाजित में पाए जाते हैं। साथ ही ये जरा मृत्यु को भी नष्ट करता है, मेध्य है यानी बुद्धिवर्धक है, रसायन है, बल्य है, वृष्य है, देह दृढ़कृत देह यानी शरीर को दृढ़ करने वाला शरीर को शक्ति देने वाला, वाजीकरण योगवाही और स्मृति प्रदानी आपकी स्मरणीय शक्ति को बढ़ाने वाला भी होता है उसको बढ़ाता है। ये इसके गुण बताए गए हैं। शुद्ध शिलाजितु के रोगनाशक गुण क्या क्या हैं, सभी तरह के प्रमेह ठीक करता है, प्रमेह जितने भी हैं ठीक करता है। प्रमेह आजकल प्रमेह ऐसी व्याधि होगी जो इस युग में अत्यधिक मिलती है और प्रमेह जैसी रोग को ठीक करना इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमेह में शिलाजितु रामबाण औषधि के रूप में काम आती है। प्रमेह है, ज्वर है, पांडु है, मंदाग्नि है, शूल है, मेदो रोग है, गुल्म रोग है, प्लिया रोग है, उदर रोग है, रच्छूल है, त्वग रोग है, कुष्ठ रोग है, इन सब रोगों में शिलाजितु को की रोगनाशक शक्ति को देखा गया है और होती है। शुद्ध शिलाजित की मात्रा क्या है, अब मात्रा को शास्त्रों में इसमें बताया कि इसकी प्रवर मात्रा यानी उत्तम मात्रा इसकी 4 तोला यानी 46 ग्राम प्रतिदिन देनी चाहिए। 46 ग्राम प्रतिदिन लीजिए उत्तम मात्रा है। मध्यम मात्रा 2 तोला है यानी 23 ग्राम 23 ग्राम प्रतिदिन देनी चाहिए और इसी अवर मात्रा यानी हीन मात्रा 1 तोला यानी 12 ग्राम 12 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा है प्रतिदिन देनी चाहिए उसको 12 ग्राम देनी चाहिए ये इसकी मात्रा है। शुद्ध शिलाजित प्रयोग विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, इसका प्रबल काल है 7 सप्ताह तक यानी 49 दिनों तक इसको प्रयोग करना चाहिए। मध्यम काल है 3 सप्ताह का यानी 21 दिन देना चाहिए 21 दिन। अवर काल ये 1 सप्ताह तक यानी 7 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। मतलब इसका प्रयोग आपको उत्तम लेना है शिलाजितु का, यदि आपको श्रेष्ठ प्रयोग करना है तो एक तो उसको 46 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा में देना चाहिए और इसको 7 सप्ताह यानी 49 दिन यानी करीब करीब 50 दिन लगभग 50 दिन इसका प्रयोग लगातार करना चाहिए तब ये इसका लाभ मिलता है। शिलाजितु का अनुपान क्या है, अनुपान में गोदुग्ध है, तक्र है, मांसरस है, मुग्धरस है, जल है, गोमूत्र है, अनेक प्रकार के फलों का रस पात शिलाजितु का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी प्रकार के लोग लाभदायक होते हैं इसमें। इसकी शांति मान लो शिलाजित कोई हानि हो जाए शांति उपाय के लिए क्या है, शुद्ध शिलाजित सेवनोपरांत यदि किसी प्रकार की विकार उत्पन्न हो जाता है तो 7 दिनों तक मरीच का चूर्ण यानी काली मिर्च का चूर्ण घृत के साथ सेवन करने से उसके विकार नष्ट हो जाते हैं। ये इसका हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन फिर मान लो कोई विकार है तो मरीज के चूर्ण को घृत में साथ देने पे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। शिलाजित में पथ्य क्या है दूध पथ्य है, तक्र पथ्य है, मूंग पथ्य है, वर्षा झरना कुआ का पानी पथ्य है, ये सारे पथ्य है। और अपथ्य के लिए लिखा गया है व्यायाम करना, व्यायाम, धूप, अधिक हवा का सेवन करना, विदाही, गुरु,
कुलत्थ काकमाची कपोत पक्षी कभी नहीं खावें, तो ये इसके अपथ्य सेवन माने गए हैं किसके, शिलाजित ऋतु के। अब शिलाजित ऋतु के कुछ प्रमुख योग हैं जो शिलाजित ऋतु को बनते हैं, उसमें लिखा है आरोग्य वर्धनी बटी, कुष्ठ कुठार रस, चंद्र प्रभाव बटी, ताप्यादि बटी, पूर्णचंद्र रस, मेघनाथ रस, यक्षमारी रोह, योगराज रस, रसेंद्र बटी, शिलाजत्वादि लोह, शिलाजत्वादि बटी, शिवा गुटिका, शुद्ध शिलाजित का प्रयोग, सर्वमेहांतक रस। इस प्रकार से कई इस प्रकार के योग हैं जो शिलाजित के बाहर मार्केट में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शुद्ध अकेली शुद्ध शिलाजित भी बहुत लोगों को ठीक करती है। इस प्रकार से आपके शिलाजित का वर्णन संपूर्ण हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।